अल्लाह रहम करे, रश वश इतना नहीं है। और ये है कि दुआ करना भाई के लिए। सुबह हम आराम सुकून से निकल आए यहाँ से। पहाड़ी पे आप देख लें जी, बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पे। ट्रैक भी वाइट हो चुका है नारान का, और सुबह तकरीबन एक एक फीट के करीब यहाँ पे बर्फ़ हो। बाज़ार की कंडीशन दिखाता हूँ जी। ये देख लें जी, ट्रैक बिल्कुल वाइट हो चुका है नारान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? आयोब आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम इफ़ी करलाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, आज हम मौजूद थे कि नारान बाबूसर टॉप वाली साइड पे, और बर्फ़बारी शदीद बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी थी। और हमने रात नारान बाज़ार में गुजारी, और नारान में भी यही सिचुएशन थी कि तूफ़ानी बर्फ़बारी, और हमारी गाड़ियां भी रुक चुकी थी। हमें यही परेशानी लगी हुई है कि आया कि अभी सुबह हम कैसे निकलेंगे। तकरीबन अभी की बात करूं, रात के 12:30 बज रहे हैं, और इस टाइम की जो दिन की भी वीडियो थी वो सारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दिन को काफ़ी इन्जॉय हो रहा था, हमारे साथ जो फैमिलीज़ गई हुई थी उनकी इजाज़त से ये वीडियो बना रहा हूँ। बट ये है कि वो भी इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अभी के टाइम ये है कि अभी हम खुद सोच रहे हैं कि सुबह के टाइम हमारी गाड़ियां यहां से कैसे निकलेंगी। अल्लाह ना करे अगर जो ये ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है तो टूरिस्ट को तो नहीं पता, लेकिन हम जो हैं कि टूरिस्ट गाइड हैं, टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दुआ करें और मज़ीद अपडेट्स आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे। देखें जी, काफ़ी दोस्त भाई मुझसे ग्रुप में भी यही पूछ रहे हैं कि यार के गलियात की क्या सिचुएशन है, कि गलियात की ये सूरत बताऊँ कि काफ़ी ज़्यादा मरी और गलियात में पहले ओले हुए हैं, और गलियात में हल्की फुल्की बर्फ़बारी शुरू थी, और ये है कि कुछ चंद दिनों में बर्फ़बारी गलियात में भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे साथ वसीम भाई मौजूद हैं। वसीम भाई सारा दिन उधर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरदार वसीम, और आज मैं हूं कौन सी जगह पे आपको दिखाता हूं जी। बाहर गाड़ी से निकल के बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज का, और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है जी। आपको मौसम दिखाते हैं। ये गाड़ी से निकल रहा हूँ जी, आपको मौसम चेक कराऊँ यहाँ का। इस टाइम मैं हूँ बाबूसर टॉप पे, 9 नवंबर 2023। बहुत ही प्यारा मौसम आज का। ये हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं बाबूसर टॉप पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और ये हमारी 4x4 यहाँ पे इस टाइम 9 नवंबर 2023 1:22 हो चुके हैं। हम लोग हैं बड़वई के एरिया में नारान साइड पे। ये बाबूसर टॉप वाला रास्ता है, और स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे 9 नवंबर 2023। बड़ा ही प्यारा मौसम, और फुल जो है जैसे फूल बरसते हैं उस तरह के वाइट फूल बरस रहे हैं, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे साथ ये लोग आए, ये दिखाएं जी अकील भाई, ये भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। आज 9 नवंबर 2023 है। चलेंगे बाबूसर टॉप पे, हर जगह पे इस टाइम ये बॉन फायर उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पे आग जल रही है, और हल्की फुल्की बर्फ़ भी हो रही है यहाँ पे। मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे इस टाइम। ज़बरदस्त किस्म के फूल बरस रहे हैं जी, 10 नवंबर 2023। और हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें पाक गलियात ब्लॉग को। और देख लें जी, जो ट्रैक है बिल्कुल वाइट हो चुका है, और स्नोफॉल बड़ी तेज़ी से जारी है यहाँ पे, फूल बरस रहे हैं। और जैकेट मेरी देख सकते हैं वाइट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इफ़ी भाई बहुत याद कर रहे हैं जी आपको, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोनों साथ ही आएंगे, इफ़ी भाई और मैं, और आपको गलियात के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी बर्फ़ का मौसम स्टार्ट हो चुका है गलियात के अंदर भी, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्नोफॉल के चांसेस हैं।
और आज इस टाइम 12 बज चुके हैं और 10 नवंबर 2023 आज हम लोग हैं नारान के अंदर और स्नोफॉल जो हो रही है आपके सामने बिल्कुल। और ये हमारी गाड़ी 4x4 पाक गिलियात विलोक्स की गाड़ी है जी। और ये देख रहे हैं जी हम मियां मोर होटल में ठहरे हुए हैं इधर और बहुत ही ज़बरदस्त फूल बरस रहे हैं यहाँ पे। और गाड़ी पे आप देख लें जी बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पे देख लें जी। आओ देखें जी ट्रैक भी वाइट हो चुका है नारान का और सुबह तकरीबन 1-1 फीट के करीब यहाँ पे बर्फ़ हो जाएगी यहाँ पे नारान के अंदर। बाकी आपको नारान बाज़ार की कंडीशन दिखाता हूँ जी। ये देख लें जी ट्रैक बिल्कुल वाइट हो चुका है नारान के अंदर और फूल बरस रहे हैं यहाँ पे। स्नोफॉल बहुत तेज़ी से हो रही है जी, अल्लाह रहम करे। रश वश इतना नहीं है और ये है कि दुआ करना भाई के लिए। सुबह हम आराम सुकून से निकल आए यहाँ से।